हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अचीवर टुडे। लास्ट वीडियो में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट क्या है। तो हमने उसमें देखा था कि लाइट जो है वो एक तरीके की एनर्जी है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में चलती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि वेव की फॉर्म में चलती है, ठीक है। और उसको हमने कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, ठीक। तो एक बार हम उसको रिविजन के तौर पर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने टाइप का हो सकता है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये हमने 7 टाइप्स का बताया था। नंबर 1 रेडियो स्पेक्ट्रम, नंबर 2 माइक्रोवेव, नंबर 3 इन्फ्रारेड वेव, नंबर 4 विजिबल वेव, नंबर 5 अल्ट्रावायलेट वेव, नंबर 6 एक्सरे, एंड द लास्ट गामा रे, ठीक है। और हमने इसको कैटेगराइज किया था वेवलेंथ की बेस पर। तो ये जो फोर्थ नंबर पर आपका जो विजिबल वेव है, इसकी वेवलेंथ की जो वैल्यू थी जो कि आपकी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक लाई करती थी, ठीक है। तो ये वेव की प्रॉपर्टी थी। लेकिन एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है, हमें जो है इस लाइट को एज ए रे की तरह कंसीडर करना है। तो हमें इसकी वेव की प्रॉपर्टी निग्लेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक। तो जब लाइट को हम रे ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं तो उसको एज ए रे की तरह हम कंसीडर करते हुए उसको पढ़ेंगे। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप लाइट को एज ए रे की तरह कंसीडर करते हुए पढ़ते हैं, वो उसे आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं कहते हैं, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स बेसिकली आपकी जो डिफाइन करती है, उसमें हमें यह पढ़ना होगा कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या वो अपनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट कर सकती है। तो 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ उसकी 2 ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड नंबर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ठीक है, अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली आपका जो नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, ये हम 2 मिरर के बेस पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 आपका बाई प्लेन मिरर, नंबर 2 आपका बाई स्फेरिकल मिरर। अगर आप प्लेन मिरर के हेल्प से अगर इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें आपको इंसिडेंट रे एक प्लेन मिरर पर जो कि एक साइड से आप कोटेड की हुई होगी उस पर डालेंगे, तो जिस एंगल पर वो आकर के पड़ती है ठीक उसी एंगल पर वो आपकी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक। तो आप इसमें एक आप कंसिडर करेंगे, एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है ये आपकी एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है और इसको आपने नीचे से कोटेड कर दिया है, ठीक। एक आपका ग्लास का मटेरियल होता है, चाहे आप उसको पीबी प्लम्बम के हेल्प से कुछ भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक। ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपका नॉर्मल है। ये नॉर्मल आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो आपकी इंसिडेंट रे जिस एंगल पर पड़ती है वो एंगल आपका कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये ओ जो है वो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जिस एंगल पर ये रे आती है ठीक उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी होती है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही बनता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ठीक। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। तो अब ये जो प्रोसेस है लाइट का कि एक आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस पर आकर के इंसिडेंट होना और जिस एंगल पर आकर के वो इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पर आपका रिफ्लेक्टेड होना, ठीक, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम 2 स्टेटमेंट के हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, वो आपका क्या होगा, स्टेटमेंट देखें इसका। नंबर 1 इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई इन सेम प्लेन ठीक है। तो जरा इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, जब इंसिडेंट रे आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस पर आकर के इंसिडेंट होती है तो जिस एंगल पर वो आपको इंसिडेंट हो रही है ठीक उसी एंगल पर आपकी वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एक सरफेस मान लीजिए, ये वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है जिसको आप इंसिडेंट रे इस पर डालेंगे और जिस एंगल पर डालेंगे उसी एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे आपको मिलेगी। ये वो प्लेन है जिस प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपकी रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे और नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट तीनों की तीनों चीज़ें लाई करेंगी, ठीक। तो ये जो प्लेन है आपका, ये प्लेन इस रिफ्लेक्टेड सरफेस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, ठीक है। अब इस पर ये काम कैसे करेगा, ये आप इसको ऐसे कंसीडर कीजिए, मान लीजिए कि ये आपकी इंसिडेंट रे है जिस एंगल पर बन रही है ठीक उसी एंगल पर ये वापस चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको और अच्छे से देखने के लिए आपने इसको बाई डायग्राम से भी समझ सकते ठीक, और इसके परपेंडिकुलर आपने ये प्लेन बनाया है जिसमें आपकी इंसिडेंट रे लाई करेगी और रिफ्लेक्टेड रे भी होगी आपकी, जिस एंगल पर आएगा उसी एंगल पर ये जाएगी, ठीक। ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपका पहला लॉ हो गया आपका रिफ्लेक्शन का, ठीक। ये जो सेम प्लेन है, ये प्लेन आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, जो कि मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक। दूसरा इसका जो लॉ है वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। यानी कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ठीक। ये आपका पूरा प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन हुआ। इसमें हमने ये देखा कि लाइट की जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्शन का फिनोमिना रिप्रेजेंट करेगी, वो ये इन दो रूल पर बेस है। अगर किसी भी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्शन का फिनोमिना कंप्लीट करती है तो फिर वो इन दो रूल को फॉलो करेगी। यहाँ पर हमने लाइट का ये रूल बाई प्लेन मिरर की हेल्प से यहाँ एक्सप्लेन किया है। हम इसका ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस बाई स्फेरिकल मिरर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, जो डाउट है, वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।